गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम देखेंगे इंग्लिश का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आपके ग्रामर वाला क्वेश्चन है, डूएज डायरेक्टेड। ये आपके 10वीं क्लास में, 11वीं क्लास में और 12वीं क्लास में, तीनों क्लास में ये काम आएगा। इसमें जैसे पहला क्वेश्चन दिया है, जजेस वियर विग्स एट ए क्वेश्चन टेक। इसमें क्या है, आपको क्वेश्चन टेक लगाना है। जैसे दिया है जजेस, तो आप सबको मालूम होना चाहिए जजेस वियर विग्स। जब भी कोई सेंटेंस आपका अफर्मेटिव में रहेगा तो उसका जब भी हम क्वेश्चन टेक बनाएंगे तो क्या होगा, नेगेटिव बनेगा। जैसे ये जो क्वेश्चन है जजेस वियर विग्स, ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो इसका हम क्वेश्चन टेक बनाएंगे तो नेगेटिव बनेगा उसका क्वेश्चन टेक। जैसे जजेस वियर विग्स डोंट दे, यहाँ पे आपको डोंट लगाना है क्योंकि हेल्पिंग वर्ब वहाँ पर लगाना पड़ता है। अगर हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर नहीं है तो आपको डू, डज या डिड लगाना रहता है। यहाँ पर डू आएगा तो डू का क्या होगा, नेगेटिव। डोंट और दे जजेस, क्योंकि एक से ज़्यादा है इसलिए दे आएगा, तो यहाँ पे आंसर बनेगा डोंट दे। दूसरा क्वेश्चन, आर यू लर्निंग योर लेसन्स, चेंज द वॉइस ऑफ सेंटेंस। इस सेंटेंस का वॉइस चेंज करना है आपको, एक्टिव है इसको क्या है आपको पैसिव बनाना है। तो इसमें क्वेश्चन दिया है आर यू लर्निंग योर लेसन्स, तो आपको सबको मालूम है इसमें जैसे क्वेश्चन दिया है आपका इंट्रोगेटिव है, आपको सेंटेंस को भी देखना है कि सेंटेंस किस में आपको, जैसे ये आपका इंट्रोगेटिव में है तो इसके जब हम वॉइस चेंज करेंगे तो ये भी क्या है आपका आर को सेम रिपीट करना पड़ेगा। इसके बाद आर यू आर लेसन्स, ये वाला लेसन्स आएगा आपका, योर पहले लिखना पड़ेगा, आर के बाद योर लेसन्स। इसके बाद लर्न का थर्ड फॉर्म लर्न बाई यू, तो ये आपका आंसर है आर योर लेसन्स लर्न बाई यू। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन, मदर सेज टू मी यू आर जस्ट लाइक यूर फादर। मदर सेज टू मी यू आर जस्ट लाइक यूर फादर, इसमें आपको नरेशन चेंज करना है। इसमें जब भी सेस रहेगा सेस टू किस में चेंज होगा आपका, टेल्स में हमेशा ध्यान देंगे सेस टू। इसके बाद क्या है आपको इन्वर्टेड कामा को हटाना है, वह कामा को हटाना है। जैसे मदर सेज टू मी, तो यहाँ पे सेस को हटाएं, सेस टू को हटाएं, तो यहाँ पे क्या आएगा टेल्स आएगा, तो मदर टेल्स मी, यहाँ तक समझ में आ गया। फिर कामा की जगह क्या लिखते हैं, दैट, दैट के यूज हुआ है। इसके बाद आई एम जस्ट लाइक माई फादर, आई एम जस्ट लाइक माई फादर, इसमें आपको थोड़ा सेंस में समझना पड़ेगा। इसकी मदर बोल रही है यू आर जस्ट लाइक यूर फादर, तो यू यानी इसको बोल रही है, तो ये क्या बोलेगा, आई एम बोलेगा ना, यू यहाँ पे आपका सेकंड पर्सन है, तो ये सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है मी के हिसाब से, तो मी का क्या होता है आई होता है, तो यहाँ पर आई आएगा, आई एम, आई एम जस्ट लाइक माई फादर, यहाँ पर योर भी माई होगा। ठीक है बच्चों, इसके बाद चौथा क्वेश्चन, वी डोंट नो यू, ये आपका क्वेश्चन टेक वाला है, इसमें क्वेश्चन टेक लाना है। तो ये जो सेंटेंस है आपका नेगेटिव में है, तो जब भी सेंटेंस नेगेटिव में रहेगा तो उसका क्वेश्चन टेक पॉजिटिव बनेगा, अगर पॉजिटिव में रहेगा अफर्मेटिव में रहेगा तो वो नेगेटिव बनेगा। ये डोंट है तो क्या आएगा, सिर्फ डू आएगा अभी कभी और क्वेश्चन मार्क। इसका पाँचवा क्वेश्चन है, इफ़ इट डजेंट रेन द क्रॉप विल फेल, यहाँ पे आपको अनलेस का यूज करना है इन प्लेस ऑफ इफ, इफ़ की जगह अनलेस लगाना है, तो क्या होगा, सबसे पहले आपको अनलेस लिखना है, ठीक है, अनलेस, अनलेस इट रेन्स, यहाँ पे डज को हटा देना है, ठीक है, डज नॉट को हटा देना है, अनलेस इट रेन्स द क्रॉप विल फेल, क्योंकि अनलेस अपने आप में नेगेटिव वर्ड है, तो अनलेस इट रेन्स द क्रॉप विल फेल, तो आपको डजेंट को हटाना है, इसकी जगह क्या लिखना है आपको अनलेस इट। इसका छठा क्वेश्चन देखते हैं, यू डू योर होमवर्क डेली, ये आपको इंटरगेटिव में चेंज करना है, यू डू योर होमवर्क डेली, इसको इंटरगेटिव बनाना है, प्रश्नवाचक बनाना है, तो क्या होगा, प्रश्नवाचक में आप सभी जानते हो इसमें हमेशा क्या है आपको हेल्पिंग वर्ब को शामिल रखना पड़ेगा। ये जैसे है यू डू योर होमवर्क डेली, यहाँ पे डू पहले आएगा, क्वेश्चन कर रहे हैं तो डू, यू डू योर होमवर्क डेली, तो ऐसा बनेगा इंट्रोगेटिव। इसका सातवां क्वेश्चन है, ही स्टेस हियर आई एम हैप्पी, यहाँ पे क्या करना है आपको एज लॉन्ग एज का यूज करना है, ही स्टेस हियर आई एम हैप्पी, इसका क्या बनेगा, एज लॉन्ग एज पहले लिखना पड़ेगा, सबसे पहले एज लॉन्ग एज, ही स्टेस हियर आई एम हैप्पी, बस इजी इतना ही है। ये आठवां क्वेश्चन में है, द स्टूडेंट्स हैव रिटन शॉर्ट स्टोरीज, इसको आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में चेंज करना है।
ठीक है बच्चों, इसको ये क्वेश्चन को आप लोग बना के देखो। नगमा में जैसे दिया है द बॉक्स इज वेरी हैवी, ये वाला क्वेश्चन आप लोगों का है, इसको आप लोगों को बना के बताना है, आपको कमेंट करना है। नगमा में है द बॉक्स इज वेरी हैवी, जो बॉक्स है बहुत हैवी है, आई कैन नॉट लिफ्ट इट, इसमें क्या है, आई कैन नॉट लिफ्ट इट, इसमें आपको सो दैट के यूज़ करना है। द बॉक्स इज वेरी हैवी, आई कैन नॉट लिफ्ट इट, तो क्या होगा, द बॉक्स इज सो हैवी दैट आई कैन नॉट लिफ्ट इट। इसके बाद है दसवां क्वेश्चन, फादर सेड टू हिज सन गो एंड पे योर फी एट वंस, चेंज द नरेशन, इसमें आपको नरेशन चेंज करना है। फादर सेड टू हिज सन, फादर अपने बेटे को बोलता है गो एंड पे योर फीस, अपना फीस को पे करके आओ, इसमें आपको नरेशन चेंज करना है। तो हमेशा आपको ध्यान देना है, सेंटेंस को देखना है, जो रिपोर्टेड सेंटेंस है इसको देखना है, ये क्या आपका इम्परेटिव सेंटेंस है, आदेशात्मक, तो इसमें क्या आएगा हमेशा फादर सेड टू, सेड टू जगह क्या लिखना है आपको ऑर्डर्ड, क्योंकि आदेश कर रहे हैं ना, हिज सन टू गो एंड पे हिज फीस एट वंस, बाकी सेम टू सेम एज इट इज आपको इसको कॉपी कर देना है, लिख देना है। इसके बाद है नेक्स्ट, हु रोट यू दिस लेटर, हु रोट यू दिस लेटर, ये आपका वॉइस है, वॉइस आपको चेंज करना है। इसमें है इसका आंसर बनेगा बाय हुम, जब भी आएगा हु रोट यू दिस लेटर, हु जब भी आएगा वहाँ पे क्या लिखना है आपको हुम आएगा, हु का हुम होगा, यहाँ होगा बाय हुम, वाज, क्योंकि आपका ये जो सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट में है, तो इसमें आपका आएगा वाज आएगा, देखो बाय हुम वाज दिस लेटर रिटर्न टू यू, रोट का थर्ड फॉर्म होगा रिटर्न टू यू, ठीक है बच्चों, ये डू एज डायरेक्टेड ग्रामर है, जिसमें आपको डू एज डायरेक्टेड का मतलब होता है जैसे निर्देशित किया गया है वैसे आपको डू यानी करना है, जैसे क्वेश्चन टेक के लिए बोला गया है, क्वेश्चन टेक आपको बनाना है, इसमें आपका चेंज द वॉइस ऑफ सेंटेंस को वॉइस चेंज करना है, इसमें दिया है आपका नरेशन चेंज करना है, फिर इसमें क्वेश्चन टेक दिया है, फिर इसमें अनलेस का यूज करना है इफ की जगह, फिर इसमें आपको इंट्रोगेटिव दिया है, ऐसा बहुत सारा इस प्रकार का क्या है क्वेश्चन आएगा आपका, दसवीं क्लास में भी, ग्यारहवीं क्लास में भी और बारहवीं क्लास में भी, तीनों क्लास में इस टाइप का आएगा, तो आपको तैयारी करना है इसी तरह से प्रश्नों का। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।